में स्वागत है। हम ब्रह्मानंद ठाकुर शुरू करी हेडलाइन से। संयुक्त क्रांति आसमानीय मदद की मोर्चा द्वारा दिनसाक जटी नाका ठाकुर नाका में भारतीय बंद करता के थाना खोला। राष्ट्रपति डॉक्टर यादव से विभिन्न सभासद के घर युवा सब से जो कार्यक्रम काटा संस्थानक अध्यक्ष मंत्र काठमांडू गेला थकान के कारण ट्रेन जीवन से चाले सफल दावी। भारतीय राजदूत रे संकेत भेंट के बाद केपी ओली के बोली फेरायल कहलन भारत के अहित सोचो नहीं सकती थी। आ मधेसी मोर्चा गच्छेदार आ थारू सब बीच शनि दिन काठमांडू में एकता की संभावना। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा धनसा से सटल भारतक सीमावर्ती जठी में नाकाबंदी कलक। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा में आबद्ध संघ के समाजवादी फोरम तराई मधेस लोकतांत्रिक पार्टी सद्भावना पार्टी तराई मधेस सद्भावना पार्टी के अध्यक्ष तथा केंद्रीय सदस्य लोकन की अगुवाई में नाकाबंदी कने धनसा से सटल भारतक पिपरौल जोड़े वाला जमनीपुर पर मोर्चाक नेता कार्यकर्ता दोपहरिया के 12 बजे से साँझ 6 बजे धरि नाकाबंदी कने। नाकाबंदी के क्रम में भारत से नेपाल आबे वाला सवारी साधन सब रोकल गेल छल। जनकपुर जयनगर रेलवे बंद भेला के बाद धनसाक प्रमुख व्यापारिक नाका जटही बनल। यद्यपि नाकाबंदी के क्रम में सर्वसाधारण के अत्यावश्यक काज के ध्यान में दैत मोर्चाक नेता कार्यकर्ता नम्रता अपनौने छल। जे मोर्चा के केंद्रीय बैठक भेल छलै ओहि बैठक से नाकाबंदी मतलब कि नेपाल भारत के बॉर्डर और तेनाहित अहाँ के दक्षिण के हाईवे और सरकारी कार्यालय लगाए अहाँ के राजस्व वाला जितने भी ऑफिस से डिस्टर्ब करें तो अहाँ के सरकार के असहयोग करे के कार्यक्रम आये छे। वही कार्यक्रम के तहत हम जठी बॉर्डर में हमसब मोर्चा घटक दल के सम्पूर्ण अध्यक्ष सहित के और मोर्चा में आबद्ध केंद्र सदस्य सहित के टीम हमसब आई जठी नाका पर छी और हमरा सबके नाकाबंदी आइ के 12 बजे शुरू भऽ गेलै और कंटिन्यू छै। हमरा सबके प्रोग्राम एकदम कार्यक्रम एकदम सफल भऽ रहल छै और एकोटा माल सामान एहि पार से एहि पार नहि भऽ रहल छै। नाकाबंदी हमर सबके जारी छै। ई नाकाबंदी एहि लेल बन्द करल छी कि अहाँ जे है से मधेस मतलब जे है से सामान सब लऽ जाके अहाँ के जे है से पहाड़ के आदमी के जे है से चिंता छै सरकार के, लेकिन मधेस के जनता जरि रहल छै, मरि रहल छै, कटि रहल छै, ओकरा ई सरकार के कोनो मतलब नहि छै। ई देश हमरा ई देश के सरकार हमरा सबके एगो आतंकवादी के तरह हमरा सब व्यवहार कर रहल, एगो शरणार्थी के तरह हमरा सब व्यवहार कर रहल है, नहीं कि एकटा नेपाली जन मतलब जे हो। हम सब इंडियन छी आ हम सब मधेसी के पूरा जे है से समर्थन करै छियै आ उनका सबके जे मांग पूरा नहि कर रहल है ओकर सबके जे है से कड़ी निंदा करै छियै। हम उनका सबसे आग्रह करै छियै कि मधेसी के जे हक है मांग है उनका जे है से मिले है और हम सब जे है से हमेशा से मधेसी के सपोर्टर रहलिए या हम चाहे छी अगर जे है से नेपाल सरकार अगर ओहि पर जे है से कोनो काम नहीं कर रहल है तो जे है से इंडियन सरकार एहि पर जे है से एक्शन लो का इनका सबके जे है से जे इनकर जे है से मांग है से पूरा होए। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा के बुध के साँझ भेल बैसार मोर्चा केंद्रीय तह में भेल बैसारक निर्णय के कारण इनके लिए धनसा से सटल भारतीय नाका जटी पर शुक्र दिन नाकाबंदी करे के निर्णय कने छल। मोर्चा के नेता कार्यकर्ता भारत आ नेपाल के छुट्टियों ने जमुनी पुल पर धरना सहित नाराबाजी आ प्रदर्शन कने छल। मोर्चा के नेता कार्यकर्ता लोग नाराबाजी करते काल भारतीय भूमि में सीमा सुरक्षा बल आ नेपाली क्षेत्र में नेपाल पुलिस सक्रिय देखल गेल छल। उम्हर मधेसी मोर्चा शुरू केने नाकाबंद तथा राजमार्ग केंद्रित आंदोलन अंतर्गत संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा तथा संघीय मधेसी मोर्चा के कार्यकर्ता सब महतरी के मूल भंसार भिटामोड़ छोटी भंसार मठियानी तथा समसी लगायत के नाका सब में पूर्णतया ठप्प केने अछि। मोर्चा के कार्यकर्ता सब नाका के मूल रास्ते में टेंट लगाकर धरना सेहो दऽ रहल अछि।
महोतरी सदर मुकाम जलेश्वर में नेपाल के संविधान 2072 के विरोध में होम तथा जुलूस प्रदर्शन का विरोध कैल गए। शुक्र दिन नेपाल मैथिल ब्राह्मण समाज तथा मैथिल ब्राह्मण सभा के अगुवाई में जुलूस तथा होम कार्यक्रम संपन्न भेल। समाजक शंभुकांत झा नेतृत्व कने करीब 500 ब्राह्मण बुद्धिजीवी चौक दुर्गा चौक शंकर चौक होइत नगर परिक्रमा क दुर्गा चौक में विशेष विरोधी विनाशक महायज्ञ समापन कने छल। यज्ञ में मधेशक संपूर्ण शत्रु स्वाहा हो कहित आहुति तथा मधेश आंदोलन में जान गुमौने सबके श्रद्धांजलि सेहो देल गेल। अहिना का जलेश्वर के युवा तथा नागरिक समाज मधेशी विरोधी मुर्दाबाद के नारा लगबैत जुलूस निकालने अछि। सयो युवा के सहभागिता रहल ओ जुलूस नगर के परिक्रमा कने छल। ओ जुलूस में क्षेत्र नंबर 106 धर के संविधान में हस्ताक्षर करय वाला सभासद सब गिरिराज मणि पोखरेल किरण यादव राम दयाल मंडल दीप नारायण शाह सीताराम भंडारी लगायत के विरोध में सेहो कड़ा नाराबाजी करैत शंकर चौक पर सभासद सभक पुतला दहन सेहो कयल गेल छल। महोतरी के संबंध में विशेष जानकारी देवाक लेल अखन हमर सबके प्रत्यक्ष टेलीफोन संपर्क में महोतरी संवाददाता रंजन भंडारी जी छथि। रंजन जी, महोतरी में अखन नेपाल भारत के सीमा सटल जे छै ओहिठाम के अवस्था केहन छै? ब्रह्मा जी, नेपाल भारत के सीमा नाका में विगत 3 दिन से मोर्चा लगात के राजनीतिक दल सब नाकाबंदी के ने जना काल से हो हम माधवापुर में अनुगमन में गेल छलौं। वहां पर भी टेंट लगा कर राजनीतिक दल सब पूर्ण रूप से नाकाबंदी के ने वहां पर जे आम नागरिक है वो 2-4 किलो घरैसी खाद्यान्न सामान सब लाब सकैए। बाकी जे भी तस्कर है या अन्य मालवाहक गाड़ी से सब पूर्ण रूप से बंद है। ओम्हर भारत के तरफ से भी SSB सब गाड़ी सब पूर्ण सुरक्षा चेक जांच कैला के बाद निकले दे रहल छै। तहिना भिट्ठा मोड़ नाका पर सेहो संघीय समाज संघीय मोर्चा के कार्यकर्ता सब टेंट गाड़ के पूर्ण रूप से नाका बंद केने। वहां पर भी जे ट्रक सब भंसार नेपाल से नेपाल के साइड में जे भंसार के भीतर छै उ सब यथा स्थान में छै ओकरो सब के नहीं निकल देल जा रहल छै। और कह पड़ले मठियानी छोटी भंसार से ज्यादा कराई अपने के जे बिठा मोड़ भंसार से वहां पर छै। वहां पर जे मोटरसाइकिल सब छै नेपाल साइड से अगर किनको इंडिया जाय के छै उनको सब के आंशिक रूप से रोक लगाल गेल छै। अगर अपने के बिठा मोड़ से सामान कोनो खरीदे के घरैसी सामान तो मोटरसाइकिल नेपाल साइड में लगा कर तबे अहाँ जा सकै छी। या फिर अहाँ के अगर बिठा मोड़ वही पार जाय के जना सुरसन सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर कहीं जाय के मोटरसाइकिल से तो मोटरसाइकिल वहां पर एंट्री करा के मात्र जा सकै छी। ब्रह्मा जी, रंजन जी, ये नाका अपने कह लीजिए एकदम पूर्ण रूप से ठप है, नेपाल सरकार नाका ठप कर रखने से कि इंडिया सरकार का कर रखने से? ब्रह्मा जी, अय में सरकार के कहना उचित नहीं है। तब जना मान लिया भारत सरकार कह रहा है कि हम अपन चुनाव के और नेपाल में जे अभी परिस्थिति चल रहा है वही के मद्देनजर हम सब सुरक्षा व्यवस्था करा के नहीं थी। नेपाल सरकार कह रहा है कि नहीं षड्यंत्र भ रहा है हमर सबके हमरा सबके सामान नहीं दे कह के मतलब षड्यंत्र कर रहा है। अभी बुझनाई कठिन है कि के कथी षड्यंत्र कर रहा है। भारत सरकार के सीधा कहना है कि हम अपन सुरक्षा बॉर्डर के करबे करब हमर साइड में कोनो ओहन अथी हमला भ जाइए या कोनो ओहन दिक्कत भ जाइए तो ओकर जिम्मेवारी तो नेपाल सरकार नहीं लेत तो वही के हमरा अपने बैलेंस कर के चल पड़त। तहिना नेपाल साइड से अपने राजनीतिक दल सब के कह सकै छी कि राजनीतिक दल सब वहां पर नाकाबंदी केने छै और पूर्ण रूप से गाड़ी सब के ठप कर देने छै। ब्रह्मा जी,
रंजन जी महतरी से सटल बहुते बॉर्डर सब छै ओहिठाम भारत से सटल तऽ ओहिठाम कोन कोन बॉर्डर पर जे छै से एहन किसिम से नाका बंद कयल गेल छै? हाँ ब्रह्मा जी जना कि शमसीकनमा के बॉर्डर से हो ठप छै तहिना भिठामर ठप भ गेल मटियानी ठप छै और ई लगायत के जे छोट छोट रास्ता सब छै खास करके जोन रास्ता सब तस्कर सब यूज करै छलै ओहन रास्ता सब पर से हो भारतीय SSB और कड़ाई के ने आई कुछ संख्या में वो सब गश्ती कर या वही वही जगह पर SSB खुद बैस कर ओकरा पूर्ण रूप से बंद कर देने छै तहिना जे मोर्चा लगात के राजनीतिक दल छै जोन जोन दल के जहाँ जहाँ पर ड्यूटी मिलल से वो सब किछ मोटरसाइकिल से या पैदल अनुगमन से हो कर रहल है कि वही में सामान तो नहीं पास भ रहल है। ब्रह्म जी रंजन जी महतरी में जलेश्वर में काल दिन भर में कौन कौन केहन केहन किस्म के कार्यक्रम सब कैल गेले? ब्रह्मा जी काल विभिन्न विरोध के कार्यक्रम सब भेल छल जलेश्वर में जना कि अपने के कहे ला चाहब कि नेपाल मैथिल ब्राह्मण समाज और मैथिल ब्राह्मण सभा एक यज्ञ महायज्ञ के आयोजन केने छल ई महायज्ञ में अपने के जलेश्वर शिक्षा बुद्धिजीवी चौक से शुरू भ क एकर जुलूस जलेश्वर बुद्धिजीवी चौक से शुरू भ क दुर्गा चौक होत शंकर चौक नगर पालिका घूमत पुनः दुर्गा चौक पर आब क संविधान स्वाहा और जे भी वही संविधान में हस्ताक्षर केने छल साथ ही वही संविधान के प्रति जे सब समर्थन जनाब रहल है जे भी शीर्ष नेता सब छै चाहे प्रचंड जी होय या KP ओली जी होय या बामदेव गौतम जी होय या कमल थापा होय हुनकर सब के स्वाहा भजय के एक टा यज्ञ केने छल तहिना जलेश्वर में के यहाँ के शंकर चौक के लगायत जलेश्वर बुद्धिजीवी चौक के युवा सब एक जुलूस से हो निकालने छल वही में क्षेत्र नंबर 1 से लेकर क्षेत्र नंबर 6 में 6 के सभासद में क्षेत्र नंबर 4 के सभासद चंदेश्वर झा जी थे उनका बाहे के जते सभासद थे मोहतरी में जे सब संविधान सभा में वही हस्ताक्षर केने छल उनकर सब के विरोध में जुलूस निकालत हुनकर फोटो और नाम के साथ में और ओकरा सब के दाह संस्कार केने छल जलेश्वर शंकर चौक पर। जलेश्वर में बराबर जैसे से कर्फ्यू लगत आयल छै एहन स्थिति में कर्फ्यू के बावजूद प्रदर्शन भेलै कि ओसे पहिने भेल छै? ब्रह्मा जी कर्फ्यू यहाँ पर अभी फिलहाल रात में मात्र लागि रहल छै दिन के समय में जना कभी सवेर में 6 बजे से लेकर 1 बजे तक या 1 बजे से फिर पुनः साँझ में 7 बजे 8 बजे तक कभी कभी 9 बजे तक कर्फ्यू छूट कल जाए छे 2 चरण 3 चरण में अभी काल से अपने के पूर्ण रूप से जना कि सवेर में काल 6 बजे से लेकर 9 बजे तक कर्फ्यू छूटल छल ओहिना आई सवेर में 6 बजे से लेकर 9 बजे तक छोड़ने ही कर्फ्यू तो ई कर्फ्यू छूट के समय में जते भी प्रदर्शन सब भ रहल छे तहिना अपने के एक अवगत करावे चाहब जे स्थानीय प्रशासन जे जलेश्वर में 2 एरिया में जे निषेधित क्षेत्र घोषणा केने उ निषेधित क्षेत्र यथावत छै लेकिन अपने के एक अवगत सेहो करा दी कि परसू जे नेपाल बार एसोसिएशन जे जुलूस निकालने छल और जिला अदालत जिला प्रहरी कार्यालय होय तो निषेधित क्षेत्र के भीतर से बाहर आयल छल तो ओकरा भी कह सकै छी कि उ निषेधित क्षेत्र तोड़े के आयल छल और वही टाइम में प्रहरी प्रशासन सब किछ नहीं बाजल छल तहिना एक टा अपने के काल के अवगत करा दी कि राष्ट्रीय मीडिया जे भी कांतिपुर AB न्यूज TV सगरमाथा TV ABC TV लगायत के जे भी राष्ट्रीय मीडिया छै उ सब मधेश आंदोलन के विभिन्न रूप में व्याख्या क के ओकरा भ्रमित आम जन समुदाय के भ्रमित करैत मधेश आंदोलन के प्रति जे नकारात्मक भावना पैदा कर रहल है वही से आक्रोशित जलेश्वर के युवा सब कल साँझ में जलेश्वर में इस सब टीवी के विरोध में एक जुलूस निकाल के सब टीवी के फोड़ कर वही में आगजनी केने छल। ब्रह्मा जी धन्यवाद रंजन जी।
धन्यवाद ब्रह्मा जी। इस तरह हमारा सबके महतरी संवाददाता रंजन भंडारी जी जे जानकारी दिल्कि महतरी से सटल भारत सीमा में जे से नाका ठप्प कैल गेल छे, नाकाबंदी औपचारिक रूप से घोषित रूप से तो नहीं छे, अघोषित रूप से नाका बंद छे, ठप छे। ओहिठाम जे से विभिन्न किस्म के नाका पर बैस के प्रदर्शन सेहो कैल जा रहल छे। आ तहिना काल्हि दिन में जे से नेशनल मीडिया सब, काठमांडू केन्द्रित मीडिया सब जे से मधेश आंदोलन के मत्थर कर लेल, चाहे ओकरा जे से सही समाचार नहीं देवे लेल जे किस्म सब उ सब प्रसारण कर रहल छे, ओहि के विरोध में नेशनल मीडिया सब के नाम लिख कर ओकर स्टिकर साटि कर ओहिठाम जे से टीवी के राखि कर प्रदर्शन क के टीवी के फोड़ैत जराओल गेल छे, जे मीडिया सब के चैनल सब के नाम पर, ताकि उ सब जे से हमरा सब के समाचार सही तरह से प्रसारण नहीं करिए। से एक जनमानस में आक्रोश सेहो देखल गेल छे, से जानकारी दलखिन रंजन जी। आप चलिए आगा के समाचार दिस। वीरगंज नाका ठप्प कर 10 गजा क्षेत्र में पड़े वाला मितेरी पुल में धरना में बैसल मधेशवादी दल के नेता तथा कार्यकर्ता सब के भारतीय सब खाना के मेज संचालन के नहीं है। रक्सौल के स्थानीय वासी सब मधेशवादी दल के आंदोलन में अपना सब के पूर्ण समर्थन रहल कहित चंदा उठा कर आंदोलनकारी सब मेज संचालन के नहीं है। मेज में बृहस्पति दिन सांस में मधेशवादी दल के करीब 300 गोटे नेता तथा कार्यकर्ता खाना खेलने है। रक्सौल वासी सब शुक्र दिन दिनभर से आंदोलनकारी के लिए मेज संचालन केने छल। सीमावर्ती क्षेत्र में रोटी बेटी के संबंध रहा से पुलिस खियार के आंदोलनकारी सब के खियारला के बाद पाहुन मान कर खाना खुआने रक्सौल वासी सब के कहब। रक्सौलवासी सीमा क्षेत्र में आंदोलन चल धरि खाना के मेज संचालन करब बतौनी है। बृहस्पति के साँझ में तेरी पुल में प्रहरी संघ के झड़प के बाद आंदोलनकारी सब रक्सौल दिस प्रवेश कने छल। काठमांडू में सामान आपूर्ति कर प्रयोग होवे वाला भारतीय नाका वीरगंज में थप कड़ाई कैल गेल। वीरगंज नाका में मधेशी मोर्चा के कार्यकर्ता धरना में बैसल है। रक्सौल आ वीरगंज बीच के मितेरी पुल में मधेशी मोर्चा के कार्यकर्ता बृहस्पति दिन से शुरू केने धरना शुक्र दिन से जारी रहल। काकट भिटा के मेची नाका से शुक्र दिन 2 तेल के टैंकर भीतर आयल। मधेशी मोर्चा के अवरोध नहीं हो तो भारतीय पक्ष गाड़ी नहीं छोड़ने है। सीमा ओपार सयो गाड़ी सब जाँच पास के इंतजार में बैसल है। मेची भंसार प्रमुख भीम अधिकारी कहलन जे शुक्र दिन 2 बाहक आरो गाड़ी सब छूट कर नहीं आयल। विराटनगर के रानी भंसार में शुक्र दिन दोसर दिन से हो 1 गाड़ी भारत से छूट कर नेपाल दिस आब पेलक। भारतीय जोगबंदी भंसार में नेपाली गाड़ी सब के लाइन है तब बारी नेपाली ओ पार नेपाली अधिकारी सब दिन भर कतेक समय में गाड़ी सब छूटत कह कर इंतजार कर रहा है। शुक्र दिन से हो 1 गाड़ी छूट कर नहीं आयल। रानी भंसार प्रमुख कृष्ण बहादुर बस्नेत कहलन जांच पास के लिए भारतीय जोगबानी भंसार में 500 से बेसी गाड़ी लाइन में है। जोगबानी भंसार में से हो सुरक्षा के बहाना बनाकर नेपाल के लिए आयल गाड़ी से रोकल गया है। 5 गाड़ी तरकारी लकर भारत गल भैरवा के बेलहिया भंसार के व्यथा से हो दूसरे ओहने है। मधेशी मोर्चा के कोनो अवरोध नहीं हुई तो भारतीय पक्ष सुनौली भंसार से नेपाल दिस आवे वाला गाड़ी के प्रवेश कर नहीं दिलक। भारतीय व्यापारी के दबाव में सर आ गल सक के माछ फलफूल आ तरकारी के गाड़ी के मात्र शुक्र दिन सुनौली भंसार छोड़ने छल। दिन भर में सुनौली से ओहन प्रकृति के सामान लक आबि रहल 10-12 मालवाहक गाड़ी मात्र नेपाल आयल। बेलहिया भंसार प्रमुख लावण्य ढकाल जानतब दिलन अहिना के दैनिक 50-60 गाड़ी नेपालगंज नाका से शुक्र दिन 16 अबैत आयला में 16 गाड़ी मात्र आयल। बृहस्पति दिन अन्य ठाम से किछु हुकलो चेक जांच केने भारतीय रुपेडिया भंसार शुक्र दिन से गाड़ी नहीं छोड़ में कड़ाई केने है। जाय के कारण बृहस्पति दिन 66 गाड़ी नेपाल आयल में शुक्र दिन गाड़ी के संख्या न्यून रहल। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र में जारी अवरोध तत्काल नहीं हट के संकेत भारत कलक। भारतक विदेश मंत्रालय जारी केने विज्ञप्ति में अपने नहीं भ नेपाली आंदोलनकारी सीमा क्षेत्र में अवरोध पहुंचा रहा आरोप लगौने है। विज्ञप्ति में कहल गेल अछि नेपाल भारत सीमा क्षेत्र के अवरोध के संबंध में आयल समाचार सब हम सब देख रहल छी। ओ अवरोध सब नेपाले के पक्ष सब भेड़ प्रदर्शन आ हुल दंगा के कारण उत्पन्न भेल अछि। ओ नेपाल में जारी मधेश आंदोलन के लक्षित करैत राजनीतिक तवर से समस्या सोझराब फिर से सलाह देने अछि। नेपालक नेतृत्व एखनक तनावपूर्ण अवस्था के कारण सबके प्रभावकारी आ जिम्मेवार ढंग से संबोधन करब प्रत्येक विज्ञप्ति में कहल गेल अछि। मतभेदक मुद्दा सबके पैघ स्वामित्व आ
स्वीकार्यता के माध्यम से समाधान कर प्रत्येक विज्ञप्ति में अंत में वर्तमान परिस्थिति जल्द से जल्दी सहज बनेबाक आशा व्यक्त कैल गेल। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा के महिला नेतृत्व के अगुवाई में जनकपुर में विशाल महिला अधिकार जुलूस निकालल गेल। मोर्चा के नेता सब नाकाबंदी कर धनसा के जटी में धरना दे रहा समय महिला नेत्री सब के प्रयास में निकालल गेल जुलूस में उल्लेख्य सहभागिता देखल गेल। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तमोलोपा सद्भावना आ तमसपा के महिला नेत्री सब के विरोध में नेतृत्व में निकालल गेल जुलूस में गांव गांव से महिला सब आबिक सहभागिता जनौलिए। जुलूस देख कर जनकपुर के स्थानीय महिला सब से ऊर्जा थपायल कहत वो सब से जुलूस में सहभागी भेली। पुरुष नेता सब नाकाबंदी के लिए सीमा क्षेत्र में खटल समय में महिला नेत्री सब के प्रयास में एहन जुलूस निकाल कर महिला नेत्री सब वास्तव में जारी आंदोलन के हक अधिकार के लड़ाई लड़ रहा जाय में सबके सहभागिता आ समर्थन रहा सिद्ध के लिए। मधेश अधिकार संघर्ष समिति के संयोजन में संयुक्त युवा संघर्ष समिति जनकपुर स्थित कांग्रेस एमाले आ एकीकृत माओवादी सभासद सब के घर में कारी झंडा टंगत विरोध प्रदर्शन कने जनकपुरक ब्रह्मपुरी स्थित राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव के निवास में हुनकर पुत्र सभासद डॉक्टर चंद्रमोहन यादव के घर रहल कहित युवा सब कारी झंडा लगौने आ नाराबाजी कने छल। अना कांग्रेस के लीला कोइराला, मीनाक्षी झा, एमाले के शीतल झा, शत्रुघ्न महतो, एकीकृत माओवादी के राम सिंह यादव आ प्रतीक्षा तिवारी के घर पर से कारी झंडा लगबत नाराबाजी कैल गेल। संविधान सभा में उपस्थित होतों में अधिकार विहीन संविधान जारी भेला से कांग्रेस एमाले एकीकृत माओवादी के अपन प्रतिनिधि सब रचनात्मक विरोध से नहीं कने कहित युवा सब कारी झंडा गाड़ने। राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव के निवास में भारी संख्या में नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी के परिचालन कैल गेल छल। यद्यपि शांतिपूर्ण रूप में विरोध प्रदर्शन करत काल कारी झंडा लगवत काल प्रहरी हस्तक्षेप नहीं कने छल। युवा सब के कार्यक्रम में समाजवादी विद्यार्थी संघ, जनकपुरक महावीर युवा कमेटी, राम युवा कमेटी, गणेश युवा कमेटी सहितक दर्जन सब बेसी क्लब के युवा सब तथा मधेश अधिकार संघर्ष समिति के अगुवा सब के सहभागिता रहल छल। समाजवादी विद्यार्थी संघक युवा सब जारी आम हड़ताल के बावजूद जनकपुर में चोरा का परीक्षा ल रहा काज के भारने। जनकपुरक कृष्णा मेडिकल एंड टेक्निकल रिसर्च सेंटर आम हड़ताल के अवज्ञा करे चोरा का अपन हॉस्टल में परीक्षा ल रहा बात विद्यार्थी नेता सब के पता लगला के बाद परीक्षा अवरुद्ध कैल गेल। ब्रह्मपुरी स्थित हॉस्टल में जारी BSc नर्सिंग के परीक्षा संघ में आबद्ध विद्यार्थी नेता सब पहुँच कर अवरुद्ध कने छल। वो सब प्रश्न पत्र आ उत्तर पुस्तिका से फायर का परीक्षा अवरुद्ध कने छल। परीक्षा में करीब 30 गोटे छात्रा सब सहभागी छल। इस्लाम धर्मावलंबी के महान पावन बकर ईद इवल जोहा शुक्र दिन मनाओल गेल। बकर ईद के अवसर में इस्लाम धर्मावलंबी सब खसी आ भेड़ा के बलि देवा आ वही बलि के तीन भाग लगा के एक भाग गरीब के, एक भाग अतिथि के आ एक भाग अपने परिवार के लिए छुटियावे के चलन रहा है। नेपाली जामे मस्जिद के सचिव मंसूर हुसैन के अनुसार शुक्र के भिनसर मस्जिद में जमा भ कर विशेष नमाज पढ़ल गेल। नमाज पढ़ चुकला के बाद घर घर में जाकर बलि देवा आ एक दोसर में शुभकामना आदान प्रदान करवाक चलन रहा है। बकर ईद 3 दिन धरि मनाओल जात। बकर ईद के अवसर में सरकार शुक्र दिन सार्वजनिक विदा से देने गृह मंत्रालय जनौने। एम्हर जनकपुर में धूमधाम से अबेर ईद नहीं मनौलक। ईद उल फितर अर्थात रमजान पावन के 17वां दिन में बकर ईद मनाओल गेल। मुस्लिम धर्मावलंबी सब भोरे स्नान कर नजदीकक ईदगाह आ मस्जिद में जाकर सामूहिक नमाज पढ़ने आ एक दूसर के गला मिल कर शुभकामना आदान प्रदान कने। बकर ईद के अवसर में राजधानी के जामे मस्जिद सहित देशभर के ईदगाह तथा मस्जिद समय मुस्लिम धर्मावलंबी सबक भीड़ लागल छल। ईद के अवसर में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आ विभिन्न राजनीतिक दल के नेता सब देश के विदेश में रहल संपूर्ण मुस्लिम समुदाय सब में शुभकामना व्यक्त कने। संगे राष्ट्रपति आ प्रधानमंत्री सऊदी के राजा के एक संदेश पठा कर सऊदी के मक्का में भेल अप्रिय घटना प्रति दुख व्यक्त करते शोक संतप्त परिवार प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण कने। संघीय समाजवादी फोरम नेपालक जिला स्तरीय नेता लोग भारत सटल धनसाक तुलसियाही में आंदोलन के क्रम में मृत्यु भेल सब के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कने। बिहारक मधुरापुर जोड़े वाला धनसाक तुलसियाही स्थित पुल के नीचा में समाजवादी फोरमक जिला सचिव लालजी यादव के समन्वय तथा संयोजकत्व में श्रद्धांजलि सभा के आयोजन कैल गेल।
श्रद्धांजलि सभा में यादव सहित समाजवादी प्रमुख ज्ञानेन्द्र यादव, शत्रुधन यादव, एकीकृत माओवादी जिला समिति सदस्य सराज नेमा देने महतरिक, राजकिशोर मंडल, रामनाथ चौधरी लगायत के व्यक्ति सब मृतक सब प्रति श्रद्धांजलि दैत मधेश ऊपर के विभेद अंत्य कर के मांग केने छल। ओ सब मधेशक भावना बमोजिम संविधान संशोधन नहीं होब धरि आंदोलन जारी रहत आरान सेहो रखने छलैत। पहाड़िया 30 दलीय मोर्चा कहने रहे, प्रचंड शपथ ग्रहण लेने रहे, उ देखल बराबर नटवर लाल के काम करे, हमरा कहाँ कहाँ आत्मा वो तो मंजूर नहीं कलक। और सबसे पहले जिला कार्य समिति में हम दैसिंग डाले, या तो पहाड़ी संयोजक छे हमार, ये आंदोलन भ रहल छै, ओहि आंदोलन में कहूँ सम्मिलित हो या नहीं तो अब भी से हम रोक के तो जते कार्रवाई करे कर दो, जे करे कर कार्रवाई करे, और ये हम अपन युवा मदेश के लिए भूखे में तैयार ही छी। हम निकल के जे खैरा चौपा आंदोलन हो रहे हैं वहां से सम्मिलित रही, और सम्मिलित लेला के बाद हमारा एक बहुत ही प्रेरणा आ रहा है, यह आंदोलन हो चाहिए, यह आंदोलन कहाँ से सब पहुंचे, तो हम तो कहीं हम खेने बराबर से सब पहुंचे। और वहां से शुरुआत करी, शुरुआत वहां के व्यापारी सबसे सबसे पहले वहां व्यापारी गए और हमारा प्रेरणा दल गए, वो तो समिति बन गए, और समिति में जब हम जो आंदोलन कर लिया तो कुछ दलाल कर रहा है, तो अभी दो तीन दिन के आंदोलन से ज्यादा सफल नहीं हो गए। उस समिति हम लोग के बैठे कहेंगे कि जब तक हमारे श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में तुलसियाई सहितक भारतक मधुबापुर के स्थानीय सबके सेहो सहभागिता रहल छल। मधेश में जारी आंदोलन के थप बल देव जनकपुर में इंटेल के च्यूकल सोसाइटी ऑफ जनकपुर के गठन कैल गेल अछि। जनकपुरक विभिन्न पेशागत संगठन के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभक अगुवाई में इंटेलेक च्यूअल सोसाइटी ऑफ जनकपुर के गठन कैल गेल अछि। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघक अध्यक्ष शिवशंकर शाहक संयोजकत्व में गठित 9 सदस्य समिति में नेपाल बार एसोसिएशन जनकपुरक अध्यक्ष उमेश पंजियार, नेपाल पत्रकार महासंघक धनुषाक अध्यक्ष अनिल मिश्र, प्राध्यापक संघक अध्यक्ष जुगेश्वर शाह, बस व्यवसायी संघक जनकपुरक अध्यक्ष मनोज चौधरी, अधिवक्ता रेखा झा, निजामती कर्मचारी संघक अध्यक्ष राजकिशोर राउत, संचार उद्यमी नवीन शाह, सामाजिक कार्यकर्ता विष्णु कुंवर, चिकित्सक संघक अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार यादव लगायत के रहल छथि। संघीय समाजवादी फोरम नेपालक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विगत में मधेशवादी दल संग भेल समझौता कार्यान्वयन भेल तहन मात्रे अविलंब वार्ता होब सकत बतौलन अछि। ओ शुक्र दिन सप्तरी सदर मुकाम राजविराज में पत्रकार सब संग बातचीत करैत अखन मधेश में भऽ रहल शांतिपूर्ण आंदोलन में प्रहरी प्रशासन से भऽ रहल दमन तत्काल रोकऽ पड़त, छावनी से बजाओल गेल सेना के फिरता करऽ पड़त, घायल के इलाज आ क्षतिपूर्ति के पूर्ण व्यवस्था करऽ सहितक मांग सब रखने छथि। संगे ओ तीन प्रमुख दल आंदोलनरत मधेशवादी दल संग वार्ता के नामे नाटक केने आ वार्ता तरफ ठोस कार्य योजना सहित पहल नहीं केने आरोप सेहो लगौलन। मधेशी दल संग के वार्ता के जते लंबा हैत ओतेक राज्य के घाटा हैत आ अशांति बढ़त चेतावनी सेहो देलन। विगत में सरकार संग भेल 22 बूंदे आ 8 बूंदे समझौता कार्यान्वयन में नहीं आनल गेल, राजमार्ग केन्द्रित आंदोलन के निरंतरता देल जात हुनकर कहब छलन। उपेन्द्र यादव सहित के संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा आ विजय गच्छेदार नेतृत्व के संघीय लोकतांत्रिक मोर्चा बीच कार्यगत एकता के प्रयास शुरू भेल अछि। संगे थरुवट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति के सेहो समट के प्रयास शुरू कयल गेल नेता सब बतौलन अछि। गच्छेदार नेतृत्व के मोर्चा मधेश में क्रियाशील मोर्चा सब संग एकता तथा सहकार्य के गृह कार्य कर कार्यदल बनौने अछि। कार्यदल में फोरम लोकतांत्रिक के महासचिव रामजनम चौधरी, रामसपा के केशव झा आ फोरम गणतांत्रिक के सीपी सिंह रहल अछि। उपेन्द्र यादव, महंत ठाकुर आ राजेंद्र महतो सहित के मधेशी मोर्चा ऐसे आगे कार्यदल बना चुकल अछि। गच्छेदार मोर्चा में आबद्ध एक शीर्ष नेता कहलनि विभिन्न चरण में बातचीत भ रहल अछि, एक भक जाके बात भेल अछि, मोर्चा सहकार्य करब कि एकेटा मोर्चा बनायब ते विषय में छलफल भ रहल अछि। कार्यगत एकता के प्रयास में गच्छेदार संग वार्ता करब मधेशी मोर्चा के नेता एवं तमोलोपाक अध्यक्ष महंत ठाकुर काठमांडू पहुंचल छथि। ओ शुक्र दिन गच्छेदार संग वार्ता कर के तय भेल बतौने रहत। सही दिन दुनू पक्ष के थप नेता सहित के बैसार सेहो बैसत। गच्छेदार नेतृत्व के संघीय लोकतांत्रिक मोर्चा थरुवट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति संग सेहो मोर्चाबंदी के लेल पहल कर रहल अछि। थरुवट में फोरम के महासचिव रामजनम सहित के नेता सब छथि, राजकुमार लेखी सहित थारू नेता सब सेहो पछिला समय मधेशी मोर्चा संग सहकार्य क के आंदोलन कर के लॉबिंग में लागल छथि।
मधेस आंदोलन निष्कर्ष में नहीं पहुंचा धेर काठमांडू नहीं जाके अड़ान लेते आल सभा सद्भावना पार्टी का अध्यक्ष राजेंद्र महतो शुक्र दिन सांझ विराटनगर से काठमांडू पहुंचल छत 5:30 बजे के सौर्य एयरलाइंस के विमान से वो राजधानी पहुंचल पहुंचल आंदोलन शुरू भेला के बाद तराई में आयल वो विभिन्न जिला में सभा सबके संबोधन करते काल अपने मधेस आंदोलन निष्कर्ष में नहीं पहुंचा धेर राजधानी नहीं जाए अड़ान दोहरी अवैध आयल छत अपन अड़ान के कारण बीतल हफ्ता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में विदेश सचिव एस जयशंकर अवित में वो राजधानी नहीं पहुंचल रहे शुक्र दिन सुनसरी के इनरवा में सभा के संबोधन कक 4 बजे विराटनगर पहुंचल महतो एक सप्ताह आगू प्रहरी के गोली लाग घायल भेल सबके परिवार के भेट के संगे महावीर चौक में आयोजित कौन सभा के संबोधन केने छलथि के बाद सीधे वो विमानस्थल पहुँचल विमानस्थल में संचारकर्मी सब संग बातचीत करे महतो अपने वीरगंज के वीरगंज जाय के लेल राजधानी जाय लागल बतौलन ऐसा आगू वीरगंज से वो भारत के रास्ता होत बीतल मंगल दिन मोर्चा के बैसार में सहभागी होब राजविराज पहुँचल छलथि शुक्र दिन रात काठमांडू में रहब आ शनि दिन भिनसर सिमरा होत वीरगंज जायब वो बतौलन मोर्चा भन्सार केन्द्रित आंदोलन शुरू केने आ अपन पार्टी के भाग में वीरगंज नाका संयोजक कर के जिम्मा आयला से घबरा हड़बरा के वीरगंज जाय लागल वो बतौलन विमानस्थल में संचारकर्मी सब संग बातचीत करते महतो आपके वार्ता सिंह दरबार भारतीय दूतावास आ काठमांडू कहीं नहीं भक मधेसी के धरती में हाथ बतौलन वो 40 दिन धर मधेस में आंदोलन हुई तो सरकार को ध्यान नहीं दिला से काठमांडू के दाना पानी बंद कर के हिसाब से भन्सार राजमार्ग केन्द्रित आंदोलन शुरू केने बतौलन वो मोर्चा के शांतिपूर्ण आंदोलन में भारत सहित विदेशी राष्ट्र सब समर्थन केने बतौलन स्रोत के अनुसार विजय गच्छेदार संघ के मोर्चा संघ के सहकार्य के प्रयास में महतो काठमांडू पहुंचल छत नेता सब के अनुसार शनि दिन वार्ता के तैयारी हाथ माओवादी समर्थित मधेसी राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा क्रांतिकारी मधेस आंदोलन में ऐक्यबद्धता जनाब के औपचारिक निर्णय केने मोर्चा झापा से बांके धर के संघर्ष के कार्यक्रम सब से घोषणा केने जनकपुर में माओवादी केंद्रीय नेता सबके उपस्थिति में शुक्र दिन संपन्न बैसार से मधेस आंदोलन में ऐक्यबद्धता जनाब के औपचारिक निर्णय केने मोर्चा मधेस में रहल संपूर्ण माओवादी नेता कार्यकर्ता के आंदोलन में सहभागी होब आग्रह सेहो केने बैसारक बाद जारी मोर्चा के विज्ञप्ति में कहल गेल अछि आंदोलन के घोषित कार्यक्रम में ऐक्यबद्धता जनबैत सक्रियता पूर्वक सहभागी होब पार्टी पंक्ति के आग्रह करै छी मोर्चा में रहल माओवादी केंद्रीय समिति के नेता सब रवि दिन काठमांडू में बैसे वाला पार्टी के केंद्रीय समिति के बैसार बहिष्कार कर के निर्णय सेहो केने 10 गते बजाओल गेल बैसार के विश्वासघाती प्रचंड के चालबाजी के संज्ञा दैत बैसार में सहभागी नहीं होब मधेस के पोलिट ब्यूरो सदस्य एवं केंद्रीय सदस्य सबके मोर्चा आग्रह सेहो केने अछि माओवादिक मधेसी नेता सब ऐसा आगुए मधेस आंदोलन में सहभागी होइत आयल छल पार्टी आंदोलन में जाय छूट देने मधेसी नेता सब बतबैत अबितो औपचारिक निर्णय नहीं भेल छल शुक्र दिनक बैसार से आसिन 12 गते जनकपुर के मिथिला मधेस के भेड़ा आयोजन कर के निर्णय भेल अछि अना के 13 गते वीरगंज 14 गते भैरवा 15 गते नेपालगंज आ 17 गते विराटनगर में भेला के आयोजन कर के मधेसी मोर्चा सब निर्णय केने अछि माओवादी के केंद्रीय समिति बैसार बहिष्कार कर के आ मधेस आंदोलन में ऐक्यबद्धता जनाब के मोर्चा के बैसार में माओवादी पार्टी के केंद्रीय नेता रामचंद्र झा गंगा श्रेष्ठ राम रिजन यादव राम कुमार शर्मा महेंद्र पासवान लगायत के उपस्थिति छल बैसार में राम कुमार शर्मा लगायत के किछ नेता केंद्रीय समिति के बैसार में सहभागी होब नहीं होब के प्रस्ताव केने छल तहिना अन्य नेता सब बैसार में सहभागी भक एक बेर अपन बात सब नेतृत्व समक्ष राख पड़त प्रस्ताव केने छल राम कुमार शर्मा ऐसे आगुए लाजिमपाट स्थित प्रचंड निवास में राजीनामा बुझा चुकल छत अना के राम रिजन यादव सेहो पार्टी छोड़ने जानकारी लाजिमपाट के करा चुकल छत मुदा रामचंद्र झा महेंद्र पासवान लगायत के नेता सब पार्टी नेतृत्व संग असंतुष्ट होइतो अखन धर पार्टी नहीं छोड़ने घोषणा केने शुक्र दिनक बैसार में उस केंद्रीय समिति बैसार बहिष्कार कर नहीं चाहिए अड़ान रखने छल अना का केंद्रीय समिति केंद्रीय सदस्य गंगा श्रेष्ठ से हो पार्टी के केंद्रीय समिति बैसार में भाग लेब पड़त मत जाहिर केने छलथ सत्तारूढ़ नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सीमा क्षेत्र में भ रहा अवरोध संबंध में भारतीय राजदूत रंजीत रे संग जिज्ञासा रखलन एमाले अध्यक्ष ओली भारतीय राजदूत रे के शुक्र के भिनसर सिंह दरबार स्थित अपन पार्टी के संसदीय दल के कार्यालय में भजाक सीमा क्षेत्र में भ रहा अवरोध के बारे में जिज्ञासा रखलन स्रोत के अनुसार एमाले अध्यक्ष ओली भारतीय राजदूत रे के मधेसवादी दल सबके अनावश्यक रूप में महत्व नहीं देव आग्रह कलन ओ संविधान सभा 85% से बेसी मत सहित संविधान बनाने आ संविधान बनाब के काज में मधेस का प्रतिनिधित्व करे वाला में से 90% से बेसी सभासद के समर्थन रहा से पड़ोसी देश किछ असंतुष्ट दल के बेसी महत्व देनाई नाजायज भेल बतौलन
वो संविधान संशोधन क के मधेशवादी दल के असंतुष्टि संबोधन करवा प्रतिबद्धता जना चुकल अवस्था में सीमा क्षेत्र ठप्प क के मालवाहक सवारी साधन के आवागमन रोकनाई की अपने सब स्वाभाविक रूप में नहीं लेने बतौलन। जवाब में भारतीय राजदूत रे प्रमुख दल सब मधेशवादी दल के असंतुष्टि संबोधन करोक से भारतीय चाहना भेल रहितो सीमा क्षेत्र में भेल अवरोध में अपन देश के कोनो संलग्नता नहीं रहल बतौलन। सीमा क्षेत्र में मधेशवादी दल केने धरना में भारत से सहयोग केने खबर एला के बाद एमाले अध्यक्ष ओली भारतीय राजदूत रह के बजा कर एक घंटा लंबा छलफल कैलने ओली संघक भेंटवार्ता के बाद भारतीय राजदूत रे संचारकर्मी के प्रतिक्रिया देव अस्वीकार कर सिंह दरबार सब भरायल छत। सत्तारूढ़ नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पड़ोसी देश भारत प्रति एकाएक नरम भेल छथि। भावी प्रधानमंत्री के दावेदार मानल गेल एमाले अध्यक्ष ओली भारतीय राजदूत रंजित रे संग एक घंटा लंबा गोप्य वार्ता के बाद भारत प्रति एकाएक नरम देखा में आयल छथि। नेपाल राष्ट्रीय पर्यटन व्यवसायी संगठन अपन प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन के अवसर में शुक्र दिन काठमांडू में केने कार्यक्रम में एमाले अध्यक्ष ओली नेपाल भारत के विश्वासी मित्र भेल कहित अपने सब ऊपर कोनो किसिम के आशंका नहीं कर आग्रह कैलन। वो किसी व्यक्ति के खुदरा स्वार्थ पूरा करवा के लिए दू देश के संबंध बिगाड़ खोजल गेल मुदा नेपाल भारत के अहित में किस नहीं करत बतौलन। ससाना खुद्रा स्वार्थ बिगाड़ खोजिएको छ र संबंध बिगाड़का लागि अनेक प्रकार का उतावला प्रारंभ गरिएको छ। तर म भन्न चाहन्छु एक छिनलाई कसैले कुनै प्रकारको असमानदारी विकास गराउन खोज्यो भने पनि नेपाल र भारतका बीचमा असमानदारी अथवा सम्बन्ध बिग्रिनु मैत्री सम्बन्धमा खलल पुग्नु त्यो सम्भवै छैन। कसैले त्यो गराउन सक्दैन। अब म भन्न चाहन्छु नेपाल भारतको मित्र हो, नेपाल भारतको भरपत्र मित्र हो। एमाले अध्यक्ष ओली व्यवस्थापिका संसद में रहल दल सब आकर नेता सब से भारत के हितेशी रहल कहित वही में कोनो किसिम के अविश्वास नहीं कर भारतीय नेता आ भारत भारतीय सरकार संग आग्रह कैलन। वो अपना भारत विरुद्ध बजट नहीं बजने बात के संसार माध्यम अनावश्यक रूप में उठाने दावी से कैलन। भारत को अहित कसले चिताउँदैन यो कुरा भारत का नेता र सरकारले बुझेको छ र बुझ्छ भन्ने म ठान्छु। त्यस कारण यो सम्बन्ध बिगार्न खोज्ने जुन प्रयास भएको छ त्यसप्रति हामी पनि सतर्क हुनुपर्दछ। भारत सरकार त्यहाँका पार्टीहरू नेताहरू पनि सजग हुनुपर्दछ। एमाले अध्यक्ष ओली मधेशवादी दल सभाको असन्तुष्टि सम्बोधनके लेल अपने सब छलफल गर तयार रहल मुदा ओहिके लेल भन्सार नाका ठप्पक मालवाहक ट्रक आ ट्याङ्कर के आवागमन रोकके काज मधेशवादी दल सब बन्द गर पर्तेक बतौलन अछि। नेपाल आयल निगम भारतीय आयल निगम पेट्रोलियम पदार्थ के आपूर्ति नहीं रोक्ने बरु मधेशवादी दल सब भन्सार नाका बन्द केला के कारण ढुवानी ठप भेल बतौने अछि। नेपाल आयल निगम के प्रबन्ध निर्देशक गोपाल बहादुर खड्का शुक्र दिन हमर सबक संवाददाता संग बातचीत करैत मधेशवादी दल सब सीमा क्षेत्र में धरना दक आवागमन ठप्प केला के कारण निगम बृहस्पति दिन से पेट्रोलियम पदार्थ आन नहीं सकल बतौलन। मधेशवादी दल सीमा क्षेत्र ठप्प केला से निगम भारतीय आयल निगम के निगम में अपन टैंकर पठाव नहीं सकल अच्छे। प्रबंध निर्देशक खड़का पेट्रोलियम पदार्थ बोकने निगम के 60 टैंकर से रक्सौल में रोकल गेल कहित अपना सब संग भारतीय आयल निगम पेट्रोलियम पदार्थ रोक के बात नहीं केने बतौलन। मधेशवादी दल सब सीमा क्षेत्र ठप्प केने संगे काठमांडू उपत्यका में पेट्रोलियम पदार्थ के हाहाकार भेल अछि। पेट्रोलियम पदार्थ के आपूर्ति सहज करबाक विषय में शुक्र दिन वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री सुनील बहादुर थापा निगमक प्रबंध निदेशक गोपाल बहादुर खड़का आ मंत्रालय के उच्च अधिकृत सब संग छलफल कैलन छथि। भारतीय राजदूत रंजीत राय शुक्र दिन साँझ करवला कहने पत्रकार सम्मेलन रोकने छथि। दूतावास शुक्र दिन बेरिया में प्रेस नोट जारी करते साँझ 5 बजे तय केने पत्रकार सम्मेलन स्थगित केने जनौने छथि। संविधान निर्माण में चाँख रखैत आयल भारत मधेश आंदोलन के कारण देखबैत अघोषित नाकाबंदी शुरू केने अछि।
परराष्ट्र मंत्रालय नाकाबंदी बारे में भारत की धारणा मांग राजदूत राय के बजौला के बाद ऐ विषय में प्रश्न कर दूतावास पत्रकार सम्मेलन कर के निर्णय केने छल, मुदा मंत्रालय अखन धरि नहीं बजौने अछि। एहि बीच नेपाल के संविधान आ तराई के आंदोलन प्रति भारतीय चाँख बढ़ रहा समय में पिछला समय में नाका सब सेहो अवरुद्ध होबय लगला के बाद ओहि के विषय में दल के शीर्ष नेता सब भारतीय राजदूत संग जानकारी लेने अछि। राजदूत राय शुक्र दिन भिनसर में प्रधानमंत्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली आ एमाले नेता तथा पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल संग अलग अलग अनौपचारिक भेटघाट केने छलथि। ओहि भेट में नेता सब नाका सब के विषय में भऽ रहल समस्या बारे आ राजदूत संग बुझ के प्रयास केने स्रोत जननी अछि। दू देश बीच के संबंध बढ़िया बनाबे पड़त आ ओहिठम के समस्या एहिठम के राजनीतिक दल सब समाधान करत धारणा नेता सब रखने राजदूत सब के सुनौने छलथि। नाका सब के समस्या समाधान कर लेल ओ सब ध्यान आकर्षण करने छलथि। आंदोलनरत विभिन्न मधेसी मोर्चा के कार्यकर्ता सब शुक्र दिन सँ नेपाल भारत सीमा अंतर्गत रोहतक के ओरैया नाका में अनिश्चितकालीन रिले अनशन में बैसल अछि। विगत में भेल मधेस लगायत विभिन्न आंदोलन के क्रम में भेल सहमति समझौता कार्यान्वयन होबय पड़त मांग करैत आंदोलनकारी मधेसी मोर्चा के कार्यकर्ता सब रोहतक के छोटी नाका के रूप में रहल ओरैया नाका स्थित अनिश्चितकालीन रिले अनशन में बैसल अछि। मोर्चा के कार्यकर्ता सब अपन मांग कार्यान्वयन होबय पड़त मांग करैत कारा नाराबाजी के अनिश्चितकालीन रिले अनशन में बैसल नेपाल सद्भावना पार्टी केन्द्रीय सदस्य श्रीमान नारायण मिश्र बतौलन। मोर्चा के नेता कार्यकर्ता सब गौर बैरगनिया सीमा पुल स्थित कड़ा नाराबाजी का प्रदर्शन सेहो केने छल। प्रदर्शन अवधि भर में यातायात पूर्ण रूप में ठप्प भेल संगे स्थिति तनावग्रस्त भेल छल। एहि बीच संयुक्त मधेसी मोर्चा के अनिश्चितकालीन मधेस बंद के कारण शुक्र दिन 41म दिन सेहो रोहतक 42म दिन सेहो रोहतक जिला जनजीवन कष्टकर बनल रहल। बंद के कारण दोकान उद्योग शैक्षिक संस्था यातायात वित्तीय संस्था सब सेहो बंद रहला से समस्या भेल छल। राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव संसद के हिंदी अधिवेशन आह्वान कैलने अछि। आगामी आसिन 15 गते शुक्र दिन अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र में दोपहर 1 बजे बैसक का अधिवेशन आह्वान कैल गेल। राष्ट्रपति कार्यालय जनौलक अछि नेपाल के संविधान 2072 के धारा 296 के उपधारा 6 अनुसार प्रधानमंत्री के सिफारिश में राष्ट्रपति व्यवस्थापिका संसद के अधिवेशन आह्वान कैने छथि। संविधान के धारा 298 बमोजिम प्रधानमंत्री चयन के संगे नया सरकार गठन के मार्ग प्रशस्त कर संवैधानिक प्रावधान अनुसार संविधान जारी भेल 7 दिन भीतर व्यवस्थापिका संसद के बैसार आह्वान कर पड़ित अछि। समग्र मधेश भर में आंदोलन के आगि पसरल समय में प्रमुख तीन दल कांग्रेस एमाले आ एकीकृत माओवादी सरकार गठन के तैयारी कह रहा है। जाय के लिए आसिन 15 गते 1 बजे संसद के अधिवेशन सेहो बजाओल गेल अछि। जनकपुरक सर्वसाधारण से पूछने छलहुँ जे मधेश में बीतल 41 दिन से बंद हड़ताल पुलिस दमन आ 3 दर्जन से बेसी गोटे के मृत्यु हो तो वही के संबोधन नहीं कर सरकार गठन के शीघ्रता संबंध में प्रमुख तीन दल के तैयारी के कुल रूप ले सुनी यहाँ के बात जहना के तहना कि पहले इनका सबके जो आंदोलन जो भ रहा है वही बारे में सबसे प्रथम सोच चाहिए। आंदोलन आंदोलनकारी सबके अहाँ के चित्त बुझा के तकर बाद नया कोनो कार्य अगाड़ी बढ़ाबल जे मधेसी मोर्चा के मांग दिशु संविधान में रखे तकर बाद ही करते संविधान जारी पुलिस मरे है तो ओकरा लागी जे से मीडिया सब जे से मन के जे से बड़का अथी बना दल के लेकिन ये मधेस के जे से जनता जे मर ले 2 बरस के बच्चा जे मर ले वो कौन रहे धार बिघार के नहीं तै के लगे पहिने एहि सबके निराकरण करो तकर बाद जे से जे करके उनका से करते। मधेसी भाग मधेस के पक्ष में जे कहले बहुत ही निंदनीय है, बहुत चिंताजनक, बहुत दुख के बात है। तराई के मधेसी आदमी सब जे छी तो उतरिए कथी ला हक हित के लेल वो हक हित जब तक पूरा नहीं होते तब तक कोनो सब मिल जाए। एते संघर्ष हम अहाँ कर के और हमरा अहाँ के अधिकार नहीं मिल रहा है तो बहुत दुख के बात है ना। जे हम अहाँ एते मेहनत करल छी, हरेक चीज बंदी कर देने छी, हरेक चीज हड़ताल कर देने छी लेकिन हमरा अहाँ के वो परिणाम नहीं मिल रहा छै। जे हम अहाँ बहुत कोशिश करने छी लेकिन हमरो सबके अधिकार मिले के चाहिए ना। हमू सब बराबर के हकदार छी, हमू सब नेपाली छी ना। 1.25 करोड़ जनता के मात्र प्रधानमंत्री हमसब 1.25 करोड़ रोड पर छी, हुनका ओहि के टेंशन नहीं छै लेकिन हुनका सरकार बनाबे के सबसे पहले हथा रहल देश दे रहा छै। सबसे पहले हुनका पिछले सहमति में लाइक वार्ता में लाइक जायज मांग छै मधेसी के हमरा लगे कोनो नाजायज नहीं छै। से यदि पूरा कर दीथिन तो भ सकै छै हुनकर नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षर से लिखेतै। अखन त सरकारो गठन से पहले अ देश के जनता मधेसी जनतो तो एगो अही देश के जनता है
यदि अ जनता के अहाँ भावना विचार ये सब न सुनबे तो अके अर्थ कि मधेशी जनता के अहाँ दू नम्बर के नागरिक देख रहा या तो मधेशी जनता के अहाँ देश के जनते न बुझ रहा। मधेशवादी दल सभक अनिश्चितकालीन आम हड़ताल के लंबियाल संगे मधेशक जिला में दवाई के चरम अभाव भेलै छ। नेपाल में खपत होबय वाला में से 60% दवाई पड़ोसी देश भारत से आयात होइत आयल में आम हड़ताल के कारण आयात ठप्प भेला के बाद मधेश के जिला में दवाई के चरम अभाव भेलै छ। दवाई के अभाव से रोगी के जान जेबाक अवस्था सृजना भेल दवाई विक्रेता सब बतौलने छ। विक्रेता सबक अनुसार जटिल रोग के इलाज में प्रयोग होबय वाला दवाई से सामान्य बुखार आयला पर प्रयोग होबय वाला सीटामोल के सेहो अभाव भेलै छ। सुनसरी के इटहरी में मात्र 45 दवाई दोकान रहल में प्राय दोकान समय अभाव झेल रहल छ। स्वदेशी दवाई उद्योग उत्पादन करय वाला दवाई सब सेहो आम हड़ताल के कारण ढुआनी होबय नहीं सकल छ। आंदोलनकारी सब दवाई बोकने बस आ एम्बुलेंस के सेहो निशाना बनला के बाद दवाई विक्रेता सब दवाई के ढुआनी में जोखिम नहीं लेने अछि। आंदोलनकारी के निशाना बनने से निक रोगी के खाली हाथ घुराब उत्तम बुझ होलसेलर लग दवाई लेब जा छोड़ने विक्रेता सब बतौलने छ। सामान्य अवस्था में होलसेलर वाला सब अपने दोकान में दवाई पहुँचौने रहितु हिंसात्मक भेला से अखन वो सब दोकान में जाके आँट नहीं कने अछि। बंद के कारण दवाई भेटना मुश्किल भेला के बाद जनजीवन एकदम कष्टकर बनल हेतु ओहि दिश आंदोलनकारी दल सब गंभीर नहीं देखा सकल अछि। सरकार सार्वजनिक यातायात के नया भाड़ा दर सार्वजनिक केने दू हफ्ता बीत चुकल रहितु घटाओल गेल भाड़ा दर कार्यान्वयन में आब नहीं सकल अछि। यातायात व्यवसायी सबक दादागिरी यात्री सबक व्यवस्था कमजोर अनुगमन लगायत के कारण घटाओल गेल भाड़ा दर पूर्ण रूप में कार्यान्वयन में आब नहीं सकल अछि। यातायात व्यवस्था विभाग से बीतल भादव 24 गते सार्वजनिक सवारी साधन के न्यूनतम भाड़ा दर 13 रुपया कायम केने छल मुदा बस माइक्रो टेम्पो लगायत के अधिकांश सार्वजनिक सवारी साधन सब खुदरा पैसा नहीं भेल कहित न्यूनतम 15 रुपया के दर से भाड़ा असूल रहल अछि। बस वाला सब बेसी भाड़ा असूलने कहित यातायात व्यवस्था विभाग में उपराग सेहो पड़ल अछि। सर्वसाधारण सब फोन मार्फत अपने ठकायल उपराग दैत आयल अछि। नेपाल राष्ट्र बैंकक गवर्नर डॉक्टर चिरंजीवी नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाक पूंजी वृद्धि के निर्णय कोनो हालत में फिर्ता नहीं होबाक बतौलने छ। सत्तारूढ़ नेकपा एमाले किछ नेता सभासद सब चुक्ता पूंजी के निर्णय उल्टाब के लॉबिंग कर रहल समय राष्ट्र बैंक के गवर्नर डॉक्टर नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था के मजबूत बनाब पूंजी वृद्धि के निर्णय केने कहित राष्ट्र बैंक ककरो दबाव आ प्रभाव समक्ष नहीं झुकत बतौलन। हम अथी नेपाल वित्तीय संस्था संघ अपन 19वां वार्षिक साधारण सभा के अवसर में शुक्र दिन काठमांडू में केने कार्यक्रम में गवर्नर डॉक्टर नेपाल निर्णय उल्टाब के लिए शक्ति केंद्र नहीं जा बैंक तथा वित्तीय संस्था के संचालक सबके आग्रह कलन। अंत में हेडलाइंस फिर से संयुक्त लोकतांत्रिक का संघीय मधेशी मोर्चा द्वारा धनसाक जटी नाका ठप बीरगंज नाका में भारतीय लोक बंदकर्ता के खाना खुअलग। राष्ट्रपति डॉक्टर यादव सहित विभिन्न सभासद सब के घर में युवा सब शुक्र दिन से कारी झंडा लगौलक। सद्भावना का अध्यक्ष महतो काठमांडू गेला थकान के कारण प्लेन से बीरगंज जाले पहुंचल दावी। भारतीय राजदूतरे संघ के भेंट के बाद केपी ओली के बोली फेरायल कहलन भारत के अहित सोचो नहीं सके छी। आ मधेशी मोर्चा गच्छेदार आ थारू सब बीच शनि दिन काठमांडू में एकता के संभावना। अपन न्यूज अखन के लेलत पल पल खबर तेज नजर देखते रहे अपन टीवी। नमस्कार।